हाय फ्रेंड्स, देखिए आज मेरे पास एप्सन का ये 3210 मॉडल है दोस्त। इसके अंदर क्या होता है ना कि अगर कभी भी प्रिंट हम निकालते हैं तो जो प्रिंट पेज है उसके ऊपर लाइनिंग आता है, तो उसको किस तरीके से ठीक करेंगे इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखें, इसका फ्रंट में दो स्क्रू है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे। इसको मैं पहले से खोला हूँ, इसको आप खोल लें। और एक स्क्रू देखिए यहाँ पे है पीछे में, इसको भी खोल लें और थोड़ा सा करेंगे स्लाइड तो ये निकल जाएगा। ये देखिए दोस्त, इसका मेंटेनेंस बॉक्स है, ये निकल गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करें, लॉक करें, यहाँ पे लॉक हो जाता है। यहाँ से थोड़ा सा इसे करेंगे तो देखें, ये करने से ये हमारा बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद क्या करें दोस्त, ये जो इसका पाइप है जहाँ से बेस्टिंग ये इसके अंदर आता है, ये देखें ये निकल गया है। ये देखें इसके अंदर इस इंजेक्शन को लगाएं, बहुत ईजी। और थोड़ा सा देखिए इंक को देखिए सक कर लें, इस हेड को दबा के रखें हाथ से। देखिए इंक आ रहा है, देखिए इसमें इंक आ गया होगा। ये आप ऐसे कर दें दबा के, और एक बार इसको पावरिंग फ्लशिंग सॉफ्टवेयर से चला रहे 110% मैं बोलता हूँ दोस्त, ये प्रिंटर का लाइनिंग का प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगा। तो कभी भी अगर इस प्रिंटर में आपको लाइनिंग का प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरीका से क्या इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।